तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है जो भी जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं और उनके पास एक 5G स्मार्टफोन है। उनके एरियाज में 5G नेटवर्क लॉन्च हो गया है। तो आपको पता होगा कि जियो ने 3 जुलाई से अपने रिचार्ज प्लान में पैसे बढ़ा दिए हैं, मतलब रिचार्ज प्लान महंगे कर दिए हैं। आपको पता होगा जब जियो ने अपना 5G नेटवर्क लॉन्च किया था तो यहाँ पर जियो ने एक ऑफर दिया था जिसका नाम था 5G वेलकम ऑफर। उसके तहत क्या था कि लोगों को अनलिमिटेड डेटा मिलता था। जो भी यहाँ पर 239 या इससे ऊपर के प्लान कराते थे उन प्लान के साथ अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा मिलता था। और दोस्तों जो यहाँ पर 239 से नीचे के रिचार्ज प्लान कराते थे, जैसे कि 149 का, 179 का, 209, तो उन प्लान में क्या था कि अगर उन प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल करना चाहते थे तो यहाँ पर क्या था कि एक 61 रुपए का रिचार्ज प्लान आता था जो 5G अपग्रेड करने के लिए। तो 61 रुपए का रिचार्ज प्लान कराने के बाद 239 से नीचे के रिचार्ज प्लान कराए हैं तो उनमें भी अनलिमिटेड डेटा मिलने लगता था। अब दोस्तों जब से 3 जुलाई से रिचार्ज प्लान महंगे हुए हैं तो सब कुछ बदल चुका है। हाँ, जियो में 5G अपग्रेड करने के लिए रिचार्ज प्लान तो लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि 51 रुपए वाला, 101 वाला या फिर 151 रुपए वाला। अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रिचार्ज प्लान हमको सो ही नहीं हो रहे हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी को बताऊंगा क्या कंडीशन है, कब ये सो होंगे और कैसे आप लोग जियो में अनलिमिटेड फ्री 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हो, तो सभी डिटेल के साथ बताऊंगा। और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो भी 5G अपग्रेड वाले प्लान है जियो में, 51 रुपए, 101 या 151, उन प्लान के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो अपग्रेड 5G प्लान के बगैर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल पाए वो कौन से प्लान है। तो देखो यहाँ पर सबसे मिनिमम रिचार्ज प्लान है 349 रुपए का। 349 रुपए में आप लोगों को अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2GB का डेटा डेली मिलेगा, 100 SMS भी आपको डेली मिलेंगे। इस प्लान की आपको वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। ये सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान है जिससे शुरुआत मान लो कि इससे ही होती है अगर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल करना है। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी ये कंडीशन है। अगर यहाँ पर जो भी डेली 2GB डेटा वाले और ये इससे ऊपर के डेली डेटा वाले प्लान है उनमें आप लोगों को कोई भी 5G अपग्रेड के लिए अलग से रिचार्ज प्लान नहीं कराना होगा, उनमें आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। अब जिन लोगों ने 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है या आप लोगों ने उससे नीचे के 1GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है तो उनमें आपको अनलिमिटेड 5G अपग्रेड वाला प्लान कराना होगा अलग से, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ये काम करेगा और अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो कैसे शो होगा, ठीक है। तो बने रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या है, सबसे पहले बात करते हैं 51 रुपए वाले प्लान के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर जैसे कि 51 रुपए वाला प्लान अगर आपको शो नहीं हो रहा है तो सबसे पहले ये चेक करो कि आप लोगों ने कौन सा रिचार्ज प्लान करा रखा है। अगर आप लोगों ने जैसे कि मान लो कि 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है तब आप लोग यहाँ पर 51 रुपए वाला रिचार्ज प्लान कर सकते हो, ठीक है, ये जरूर से ध्यान रखना है। अगर आप लोगों ने 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है और वो प्लान 1 महीने का है तब आप लोग 51 रुपए का रिचार्ज प्लान करा के उसमें अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल कर पाओगे। अब मान लो कि सबसे सस्ता जो रिचार्ज प्लान आता है 1.5GB डेली डेटा, वो आता है 199 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5GB का डेटा डेली, 100 SMS डेली, वैलिडिटी मिलती है 18 दिनों की। और यहाँ पर जो 28 दिनों का प्लान है वो है 299 रुपए का, जिसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5GB का डेटा डेली, 100 SMS डेली, वैलिडिटी मिलेगी 28 दिनों की। ये अगर आप लोगों ने प्लान करा रखे हैं तो आप लोग 51 रुपए का रिचार्ज प्लान करा के और अनलिमिटेड 5G डेटा इस प्लान के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों ने रिचार्ज प्लान करा रखा है 1GB डेली डेटा वाला तब आपको कौन सा रिचार्ज प्लान कराना होगा, मतलब कौन सा अनलिमिटेड 5G अपग्रेड प्लान कराना होगा, तब आपको कराना होगा 101 रुपए वाला। अगर आप लोगों ने 1 महीने का लिया है 1GB डेली डेटा वाला प्लान तब आप लोगों को 101 रुपए का रिचार्ज प्लान कराना होगा अलग से, जिसमें 6GB का डेटा भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर जो भी आप लोगों ने 1GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है तो उसमें अनलिमिटेड 5G डेटा मिलने लगेगा 1 महीने के लिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान लिया है और 2 महीने का आप लोगों का वो प्लान है 1.5GB डेली डेटा वाला, तो आप लोग 101 रुपए का रिचार्ज प्लान कराओगे तो आप लोगों को 2 महीने तक अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा, ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों मान लेते हैं कि 1.5GB डेली डेटा वाला 3 महीने का प्लान आप लोगों ने ले रखा है तब आप लोगों को कौन सा रिचार्ज प्लान कराना होगा, तब दोस्तों आप लोगों को कराना होगा 151 रुपए का, ठीक है। 151 का कराओगे तो आप लोगों को उसमें 9GB का डेटा मिल जाएगा और आप लोगों का 3 महीने का प्लान है 1.5GB डेली डेटा वाला तो उसमें आप लोगों को अनलिमिटेड 5G डेटा 3 महीने तक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, अगर 1.5GB डेली डेटा वाला 1 महीने का प्लान है तब आप लोग 51 रुपए का करा सकते हो, 1GB डेली डेटा वाला 1 महीने का है तो आप लोगों को ये शो नहीं होगा, फिर आप लोगों को 101 रुपए का रिचार्ज प्लान कराना होगा। और अगर 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान 2 महीने का है तो आप लोगों को 101 रुपए का रिचार्ज प्लान कराना होगा। और 151 में तो आपको पता है कि 84 दिन, मतलब 3 महीने तक 1.5GB डेली डेटा वाला प्लान है 3 महीने का, तो 3 महीने तक अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। तो ये कुछ रूल है इस टाइम। अब आप लोग इस तरीके से जो भी जियो के प्लान है उनमें अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है वो आप लोग मुझको कमेंट में पता कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। बाय बाय।